Hi guys, what's up? Thank you so much for watching English Parts. I am Arun. Welcome you all in today's lecture video. So guys, today we're going to discuss about the very last topic of our Parts of Speech series, and the topic name is interjection. Interjection है topic का नाम और सबसे last video आज हमें record कर रहे हैं Parts of Speech series का. उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक के सारे videos बहुत पसंद आए हैं. So if you have liked the videos, please do guys subscribe the channel. Channel को subscribe करें and share करें अपने friend लोगों से ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ आप लोगों की मदद से. So चलिए आज की पाठशाला स्टार्ट करते हैं, सटर ऊपर करते हैं और देखते हैं इंटरजेक्शन टॉपिक है क्या और उसके बारे में थोड़ा जानते हैं. और उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के अंत तक जैसे बाकी सभी वीडियोस में आपको टॉपिक समझ में आ जाता है, ऑफ कोर्स इसमें भी वही होगा. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर अंडरस्टैंडिंग और बिफोर गेटिंग इन टू द टॉपिक इंटरजेक्शन, क्विकली recap the topic. Although I have explained this topic in the intro video of parts of speech, but now as we are doing the topic, so let us quickly get back to the topic. What is interjection? What is the use of interjection? Already 7 parts of speeches we have done, 7 already kar chuke hain. To ek interjection ki kya zarurat thi? To humne parts of speech ki definition mein dekha tha ki the name given to a word according to its use in a sentence. सेंटेंस में जिस वर्ड का जिस टाइप का यूज़ होता है उसको उसके अकॉर्डिंग नाम दे दिया. जैसे नाउन जो है वो नाम बताता है, प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पे यूज़ होता है, वर्ब जो है वो एक्शन बताता है, कंजक्शन जॉइन करता है, ठीक है, प्रेपोजिशन रिलेशन बताता है टाइम डायरेक्शन और प्लेस के लिए. सो एडजेक्टिव जो है वो क्वालिटी बताता है वर्ब की, सॉरी नाउन की. एडवर्ब है वो वर्ब को शो करता है. तो दैट मीन्स दैट ईच एंड एवरी वर्ड इन अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जितने भी पार्ट्स हैं, दे हैव स्पेसिफिक यूज़. सो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो इंटरजेक्शन है इसका भी कुछ यूज है. इट इज ऑल्सो यूज, ऑल्दो दिस वॉज ऑल्सो एक्सप्लेन इन द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच व्हेन वी डिड द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, तब भी मैंने आपको बताया था, ठीक है. इंटरजेक्शन इज यूज व्हेन वी हैव टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स. अभी वो फीलिंग्स क्या हो सकती हैं? इट कैन बी लव, इमोशंस, जॉय, हैप्पीनेस, एंगर, सरप्राइज, ठीक है, किसी को प्रेज करो, ठीक. तो दीज टाइप ऑफ फीलिंग्स जब हमें एक्सप्रेस करनी होती है, मतलब जिसके लिए हम वी आर नॉट प्री प्लान, हम प्री प्लान नहीं कर सकते, ऑल ऑफ सडन कुछ हो जाए और हमें वो एक्सप्रेस करना हो, तो वी यूज सर्टन वर्ड्स, दे आर कॉल्ड इंटरजेक्शन. जैसे क्विकली सडनली आपको पता चले कि आपको आपकी लॉटरी लग गई, ओ वाओ सीरियसली मेरी लॉटरी लग गई, तो मतलब आपके एक्सप्रेशन जो है, हाव भाव है चेहरे के, वो अपने आप बदल जाएंगे. बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर दैट, आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, बट सडनली कुछ ऐसा हुआ कि जिसने आपके चेहरे पे खुशी ला दी, तो उससे हुआ क्या, जो फीलिंग्स निकली आपको, उसको व्यक्त करने के लिए अब तो ऐसा नहीं बोल सकते ना, वाह मेरी लॉटरी लग गई, नहीं ना. तो एक्सप्रेशंस आपके चेंज होंगे ना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. जैसे कुछ दुख की खबर आई कि जैसे आपका कोई मित्र, बहुत अच्छा मित्र था, अपना बिजनेस उसने सेट किया और उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाया, फॉर द गॉड सेक, भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर ऐसा हुआ तो आपके लिए दुख की घटना होती है ना, यार अलास सेट, यार उसका बिजनेस सेट नहीं हो पाया, उसने बहुत मेहनत की. तो कहने का मतलब क्या हुआ, द टाइप ऑफ सेंटेंसेस और टाइप ऑफ एक्सप्रेशन फॉर विच यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड और प्री प्लान्ड आप नहीं है, ऑल ऑफ सडन कोई चीजें आपके सामने आ जाती है और आप ऐसी चीजों को जब आप एक्सप्रेस करना चाहते हो तो वी यूज इंटरजेक्शन, ठीक है. सेकेंड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज टू शो आवर फीलिंग्स. जो भी आपकी फीलिंग्स होंगी, उस वो वर्ड्स आएंगे जो आपकी फीलिंग्स को बताएंगे, तो उनके आगे आपको ये साइन जरूर मिलेंगे. दिस इज कॉल्ड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. हिंदी में इसे विस्मयाधिबोधक बोलते हैं. हिंदी में बहुत टफ है भाई, ठीक है, हिंदी में इसे डिफिकल्ट है, आपको उतना नहीं, आपको सिंपल समझना है. इंटरजेक्शन का मतलब हमारी फीलिंग्स, हमारे लव, इमोशंस, एंगर, जॉय, हैप्पीनेस, दुख, सुख, सब व्यक्त करने के लिए यूज करते हो और आपको ये साइन दिखेगी, ठीक है. कुछ टाइप्स होते हैं हमारे फीलिंग्स के और कुछ वर्ड्स उसके अकॉर्डिंग हैं, जो मैं यहाँ लिखा है मैंने, जरूरी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं. मैंने कुछ आपके लिए बेसिकली जो कॉमनली जो यूज होते हैं मैं वो लेकर आया हूँ आपके पास. जैसे हमारी फीलिंग हुई कि एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, एक्सप्रेशन ऑफ जॉय मतलब क्या हुआ, खुशी. अगर आपको खुशी हो रही है तो उसमें आप क्या बताओगे, हुर्रे. जैसे आप मैच खेल रहे हो और आपकी टीम मैच जीत गई, या जिस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हो वो टीम जीत गई, तो आप क्या बोलोगे, हुर्रे, वाओ, वी वॉन द मैच, ठीक है, हमने मैच जीत लिया, या फिर ग्रेट, यू डिड इट, तुमने कर दिया, खुश हो, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा किया तुमने. देन वाओ, वाओ एक्चुअली सरप्राइज में भी यूज होता है और वाओ खुशी के लिए भी यूज होता है. सरप्राइज हो जाता है, जैसे वाओ यार ये तो सरप्राइज हो गया, और फिर वाओ होता है, यार कितना अच्छा है वाओ, तो वो आप खुश भी होते हो तो भी आप वाओ का यूज करते हो,
फिर किसी ने आपकी हेल्प की और आप उसको थैंक यू बोलते हो खुशी से, थैंक्स लॉट यार आपने मेरी हेल्प कर दी, तो वो भी आपकी फीलिंग जो है वो खुशी की होती है, तो थैंक्स लॉट। देन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और सॉरो, दुख हुआ अगर आपको, ग्रीफ है, दुखद घटना हुई कुछ, तो आप क्या बोलते हो? एक जो इसमें बहुत कॉमनली यूज होता है अलास, अलास जो यूज होता है, जो दिखाता है क्या यार, जैसे किसी का बच्चा खो गया, अलास सी लॉस्ट हर चाइल्ड, उसका बच्चा खो गया, या फिर व्हाट, व्हाट दुख में भी होता है, व्हाट सरप्राइज में भी होता है, यह ध्यान रखना, क्या यार व्हाट यार ऐसा थोड़ी चलता है, तो दुख भी होता है, आप निराश हो जाते हो सब जब, तब यूज करते हो। फिर ओ एम जी या शॉर्ट ओ एम जी आजकल चलने लगा है, शॉर्ट फॉर्म चलता है जनरली, ओ माई गॉड ये कैसे हो गया, ओ माई गॉड ये तो बहुत डिफिकल्ट हुआ यार, तो वहाँ पे क्या हुआ ये एक्चुअली वाव, वॉट और ओ माई गॉड ये ग्रीफ में भी यूज हो सकते हैं और सरप्राइज में भी यूज करते हैं, डिपेंड करता है कि किस टाइप की फीलिंग है आपकी, खुशी हो तो या मतलब सरप्राइज हो तो वाव डिड इट, और फिर दुख हो तो मतलब खुशी है आपको वाव तो वाव यार कितना अच्छा है। सिमिलरली क्या बोल सकते हैं, वॉट, वॉट सरप्राइज के लिए भी होता है, वॉट ये सरप्राइज के लिए, सीरियसली वॉट, या फिर दुख हुआ तो वॉट यार दिस इज नॉट द फेयर, ये मतलब दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, वॉट इज दिस, नहीं चलता ना, तो वहां पर भी आप वॉट का यूज करते हैं। फिर ओ नो इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, निराश हुए आप, ग्रीफ ओ नो, फिर या फिर हाउ सैड कितना दुखी, या कितनी दुख की बात है ये, ठीक है। तीसरा एक्सप्रेशन है जैसे आपके पास बेसिकली ये तीन मेन हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, खुशी हो मिले आपको, दुख हो आपको, या बहुत सरप्राइज हो जाए, ये कॉमन है इसलिए मैंने इन्हें लिखे हैं, कुछ वर्ड्स यहाँ पर भी हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये कुछ कॉमन एक्सप्रेशन जो हमारे आते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैंने उनके लिए यहाँ पर लिखा। जैसे एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, सरप्राइज हुआ तो आप क्या बोलोगे, एज आई टोल्ड यू व्हाट सीरियसली सी फेल्ड, फेल हो गए, मतलब जिसका फर्स्ट रैंक आता हो जिस लड़की का वो फेल हो जाए तो अब कितने सरप्राइज हो गए, बॉयज तो वैसे बहुत खुश हो जाते हैं लेकिन जनरली सरप्राइज हो गए, वो कैसे फेल हो सकती है यार, तो वो हुआ व्हाट, ओ माय गॉड माय गुडनेस ये कैसे हो गया, ये माय गुडनेस, देन अमेजिंग दिस इज सीरियसली फैंटास्टिक वाव क्या बात है, ये सब सरप्राइज की बात करते हो, ठीक है। फिर अगर आप किसी को अपनी अप्रूवल दे रहे हो, अपनी सहमति दर्ज करवा रहे हो कि ठीक है आपकी तरफ से भी आप सहमत हो, अप्रूवल, या फिर किसी की प्रशंसा कर रहे हो, प्रशंसा करने के लिए ये दो वर्ड बेसिकली, ब्रावो, डीजे ब्रावो नहीं है चैंपियन नहीं, ब्रावो जनरली, तो यू ब्रावो यू डिड इट तुमने कर दिखाया, तो आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, या फिर प्रेस करते हो ना, वेल डन इट वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, तुमसे ये उम्मीद की गई थी एंड यू डिड इट वेल डन। देन सपोज आप किसी को अप्रूवल दे रहे हो, जैसे आप किसी को बोलते हो कैन आई टेक दिस वन, तो समबडी प्लीज यू कैन बिल्कुल ले सकते हो, तो उसके लिए प्लीज, फिर समझते कैन आई गेट दिस वन, सर्टनली इज इट, इट इज योर्स ये तो तुम्हारा है, इजंट इट योर्स तुम्हारा नहीं है क्या, सर्टनली हैव इट, फिर कुछ होते कैन आई गो देयर, व्हाई नॉट इट इज योर चेयर ओनली गो देयर, तो आप अप्रूवल अपना देते हो तो वहां पर भी सर्टनली, व्हाई नॉट, श्योर क्यों नहीं, आप श्योर बोल रहे हो वो, प्लीज हैव इट डोंट आस्क पूछो मत, तो वहां पर भी आप अपने अप्रूवल के लिए प्लीज का भी यूज करते हैं, बट उसके बाद आप देखिए साइन जरूर है, ठीक है। फिर किसी की मिस्टेक हो गई, ओ नो यार, फिर जनरली आउच लगता है तो भी बोलते हैं, फिर जनरली ओ यार सिट ऐसे भी बोलते हैं, सिट ये कैसे हो गया ऐसे, चाहे ओ नो सिट ओ आ यार, ये सारे कुछ एक्सप्रेशन से ए डबल एच करके आता है, ए डबल एच, हाँ ये भी कभी कभी यूज हो सकता है, और आ जो है वो मतलब एकदम थक गए हो आप तब के लिए, मतलब यू आर वेरी एग्जॉस्टेड आ यार अब आराम करना है, तो वहां पर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि ये मतलब यही नहीं है सारे, दीज आर नॉट ओनली दैट, दीज आर फ्यू जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यू विल फाइंड व्हेन यू रीड आउट द बुक्स और मेनी ऑफ द नॉवेल्स आप पढ़ोगे या स्टोरी बुक्स पढ़ोगे तो यू विल फाइंड मेनी ऑफ द इंटरजेक्शन वर्ड्स विच कंटेन्स डिफरेंट काइंड ऑफ मीनिंग, तो आप उससे भी आप बहुत कुछ सीखेंगे, बट यहाँ मैं आपके लिए मोस्ट कॉमन वर्ड्स लेकर आया हूँ। जैसे कुछ वर्ड्स यहाँ पे आप किसी को ब्लेसिंग्स देते हो, आशीर्वाद देते हो, या आपको किसी ने आशीर्वाद दिया है, आप अपने दादी के या मम्मी के पापा के पैर छूते हो तो बोलते भगवान तुमको बड़ा करे, बहुत पैसे कमाओ, ठीक है, बहुत जल्दी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए एंड ऑल दैट। यहाँ जनरली आप किसी को ब्लेसिंग्स देते हो, इंग्लिश में अगर उसे कैसे बोलोगे, गॉड ब्लेस यू डियर, भगवान आपकी मदद करे या भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहे, मे गॉड हेल्प यू भगवान आपकी मदद करे, मे गॉड ब्लेस यू भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, ठीक है।
फिर किसी को बोलते हो यार भगवान के आशीर्वाद से हो गया, तो क्या बोलते हो? बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान का आशीर्वाद ये हुआ, ठीक है। फिर किसी को किसी की चीज़ एक्चुअली वंडरफुल सरप्राइज में भी यूज़ किया जा सकता है, दिस इज़ वंडरफुल यार, क्या कहीं जाते हो और उस चीज़ को देख के आप बहुत सरप्राइज और बहुत खुश भी होते हो एक्चुअली, और उसकी क्रिएटिविटी से आपको अटेंशन मिलता है, आप अट्रैक्ट होते हो उससे, तो व्हाट अ वंडरफुल सीन इट इज़, कितना सुपर्ब सीन है। तो यहाँ पे वंडरफुल उसके साथ साथ सुपर्ब भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, ये भी उसी के लिए होता है एक्चुअली, प्रशंसा सरप्राइज में भी यूज़ होता है। फिर किसी को आप हिम्मत, मतलब हाउ डेयर ही कैन, वो कैसे कर सकता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई करने की है, तो वहाँ पे ये डेयर आता है, ठीक है। फिर हुआ कोई चीज़ जनरली खाने के लिए बोलते हो, खाना आपको कहीं पसंद नहीं आया, बहुत ख़राब लगा, तो हाउ ऑफुल, AWEFUL, ऑफुल, उसको क्या बोलते हो, बहुत ख़राब, ऑफुल का मतलब गंदा, हाउ डर्टी, यहाँ एक और यूज़ होता है डर्टी, कितना ख़राब है यार, हाउ डर्टी करके लगा देते हो आप, ठीक है। तो वो भी आप बताता है कि यू आर नॉट हैप्पी, आप उस चीज़ को देख के खुश नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा निराश हुए, ठीक है। फिर किसी को नॉनसेंस, किस टाइप का काम किया तुमने, इडियट, तुम्हारा दिमाग चलता है कि नहीं, इडियट, ये आइए ऐसा लिख दिया इडियट, ठीक है, नॉनसेंस, ये वर्ड जब आप यूज़ करते हो। फिर कोई बहुत अच्छी चीज़ दिख गई आप सरप्राइज, ये भी ऑसम, इट वॉज इनक्रेडिबल, हाउ वॉज द राइड, इट वॉज इनक्रेडिबल, बहुत सुपर, मतलब आई हैव नेवर एवर फेल्ट समथिंग लाइक दैट, ऐसा मैंने कभी महसूस ही नहीं किया, इट वॉज एडवेंचरस, सुपर था, तो वहाँ पे इनक्रेडिबल। फिर किसी चीज़ से आप बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो कि ये होगा ही, फॉर श्योर, वाई नॉट, बिल्कुल क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पर यूज़ होता है श्योर। फिर यार वाई नॉट, क्यों नहीं, मतलब यू आर मोर देन अदर, यू आर कॉन्फिडेंट, दूसरों से ज़्यादा जब आप कॉन्फिडेंट हो ना, वाई नॉट, दिस विल गोइंग टू हैपन, ये बिल्कुल होगा। फिर किसी को बधाई देते हो, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, बहुत सारी बधाइयाँ आपको, या फिर जनरली एक वर्ड यूज़ लेते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन यार, किसी को प्रमोशन हुआ, किसी की सैलरी बढ़ी, कोई ट्रांसफ़र करके नई जगह अच्छी जॉब पे जा रहा, तो आप जनरली बोलते हो ना कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो ये कुछ थे ऐसे वर्ड्स जो हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, अगेन मैं फिर से कहूँगा, सिर्फ यही नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दिस मेनी अदर आर देयर दैट यू कम अक्रॉस डे बाई डे, जब आप डेली लाइफ में आप बुक्स पढ़ते हो या किसी से बातचीत करते हो, तो डिफरेंट टाइप्स की फीलिंग्स आपकी आती हैं, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए आप इंग्लिश में अलग अलग टाइप के वर्ड्स यूज़ करते हो। सो आप ये ना समझे कि सिर्फ जितना बताया गया सिर्फ इतना ही है, ये कुछ बहुत ही सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज किए जाने वाले इंटरजेक्शंस हैं। सो गाइज, आई थिंक आफ्टर दिस वीडियो इंटरजेक्शन का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर मैं इसे क्विकली आप रिविजन में देखना चाहो, तो इंटरजेक्शन का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि वेन एवर यू हैव ऑल ऑफ सडन समथिंग हैपन, जब ऑल ऑफ सडन विदाउट प्री प्लान, मतलब प्री प्लान के बिना कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो योर एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाता है, योर एक्सप्रेशन चेंजेस ऑल ऑफ सडन, सरप्राइज हो जाते हो, यू मे बी हैप्पी, यू मे बी सॉरो, मतलब फीलिंग आपकी, यू मे बी इन द सॉरो मोड, दुख भी हो सकता है, यू मे बी इन ग्रीफ, यू मे बी गिविंग अप्रूवल, ठीक है, यू मे बी वेरी हैप्पी, तो ऐसे अकॉर्डिंग टू इट सिचुएशन जो ऑल ऑफ सडन आती हैं, तो वहाँ पर हमारे एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं, और उन एक्सप्रेशंस को बताने के लिए इंटरजेक्शंस का यूज़ होता है। और मेक श्योर दैट इंटरजेक्शंस के बाद हमेशा वर्ड्स के बाद आपको क्या दिखेगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, उद्गार वाक्य, उद्गार चिन्ह जो है यह तुमको जरूर दिखेगा। इतना ही था, नाउन से हमने स्टार्ट किया, आज इंटरजेक्शंस पे कंप्लीट कर रहे हैं, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी सीरीज कंप्लीट हो गई है। आई होप अभी तक आपको सारे वीडियोस पसंद आए होंगे। एडजेक्टिव का जो वीडियो है वो दो गया है, आई थिंक उसमें एक वीडियो में जो है कंजंक्शन है, और एक वीडियो जो है उसमें मैंने रिवीजन करके लिखा हुआ है। सो गाइज, वॉच बोथ ऑफ देम आर वेरी यूजफुल फॉर यू पीपल, ऑलमोस्ट यू विल फाइंड मैक्सिमम कंटेंट आर सेम, बट फ्यू थिंग्स आर चेंज, सो यू नीड टू सी दैट, आप उसे देखिए। उम्मीद करता हूँ अभी तक के सारे टॉपिक आप सबको बहुत पसंद आए होंगे, और आए हैं, देखा जैसे मैंने इस तरह का रिस्पांस आया है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव रिस्पांस आफ्टर दिस वीडियो आल्सो, बिकॉज योर रिस्पांस मोटिवेट्स मी, आपका रिस्पांस मुझे मोटिवेट करता है, सॉरी। सो विद दैट होप, इस उम्मीद के साथ कि विल यू लव इट, आप इसे पसंद करेंगे, एंड नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाउ डेज, आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दो तीन महीनों में बहुत काम आएगा उसका, स्पेशली इन एवरी फील्ड, मुझे तो लगता है हर फील्ड में बहुत ज़रूरत पड़ेगी लोगों को उस वीडियो की। सो वो जल्द ही आपके पास, आज है थर्सडे ना, आई थिंक सैटरडे तक आपको वो वीडियो मिलेगा, सो उसे भी ऐसा ही प्यार दीजिएगा, फॉरगेट अबाउट दैट, वो तो अभी पहले की बात है, इस वीडियो को जरूर देखिए। एंड जाते जाते, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, गिव अ बिग थम्स अप एंड subscribe the channel, and if you are already a subscriber
थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, ज्वाइन होने के लिए या हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद, या आपकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि आप इसे ऑल ओवर द कम्युनिटी, आपके आसपास जितने लोग हैं उनसे स्प्रेड करिए, उनको बांटिए। इट इज़ वेरी यूजफुल वीडियो, बहुत काम के वीडियोज़ हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे, स्टूडेंट्स को, बड़े छोटो सभी को। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। आज के वीडियोस वैसे भी आजकल बहुत चर्चा हो रही है, यू मे बी फाइंडिंग टेलीविजन चैनल सो मच ऑफ गॉसिपिंग एंड दो वो, ऐसा लगता है ना दो लोग आए हैं दो पार्टीज़ के और शुरू हो गए हैं, और एक एंकर बीच में बैठा है जो दोनों को लड़ा रहा है। फॉरगेट अबाउट नो पॉलिटिकल न्यूज़ एंड ऑल दैट थिंग्स, हम सिर्फ किस पे फोकस करेंगे, स्टडी पे, नथिंग एल्स। सो गाइज अगेन अपना ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई रखिए, दोस्तों और रियलिटी से संबंध बनाए रखिए, क्योंकि हर किसी को मौका नहीं मिलता मन की बात रेडियो पे करने की। सो टिल देन, जब तक मिलूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय बाय, लव यू।